हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एस्ट्रल डायमेंशन। आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एक बहुत ही ज़्यादा वेल टॉक्ड टॉपिक के बारे में एस्ट्रोलॉजी में, जो कि है कंबशन। अब कंबशन क्या होता है, क्या इसका इम्पैक्ट होता है, सारे प्लैनेट्स कौन कौन से डिग्रीज के ऊपर कंबस्ट करते हैं और उनका क्या रिजल्ट होता है, इसे डिस्कस करते हैं। क्योंकि बहुत बार जो क्वेश्चन है वो इसी एक टॉपिक के अराउंड मेरे पास आता है, स्पेशली उन लोगों से रिलेटेड जो लोग एस्ट्रोलॉजी में काफ़ी इंटरेस्ट रखते हैं और उनको लगता है उनके कुछ प्लैनेट्स कंबस्ट हैं। अब सबसे पहले कंबशन क्या होता है। जब कोई भी प्लैनेट, कोई भी ग्रह सन के बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आता है और धीरे धीरे वो इतना क्लोज आ जाए कि वो इरिटेट होना स्टार्ट हो जाए, उस प्लैनेट का जो नेचुरल टेस्ट है, जो नेचुरल कैरेक्टर है, वो चेंज होना स्टार्ट हो जाए, उस प्लैनेट का जो नेचुरल एक एनवायरनमेंट है जिसमें वो सस्टेन कर सकता है, वो डिस्टर्ब हो जाए, उस एक फील्ड को कहा जाता है एस्ट्रोलॉजी में कंबशन। तो हमको सबसे पहले देखना होता है हमारा सन कौन सी डिग्री पे है और फिर हमें देखना होता है वो प्लैनेट कौन सी डिग्री पर है और वो वेनिंग या वैक्सिंग फेज के अंदर है मून के, और उसके अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट करते हैं कि किस तरीके का कंबशन है। अब जैसे कि वीनस कंबस्ट होता है 8 डिग्रीज पर, सैटर्न कंबस्ट होता है 15 डिग्रीज पर, मर्क्यूरी कंबस्ट होता है 14 डिग्रीज पर, मार्स कंबस्ट होता है 17 डिग्री पर, जुपिटर कंबस्ट होता है 11 डिग्री पर। मतलब इन प्लैनेट्स का जब ये डिस्टेंस हो सन से तो ये कंबस्ट होना स्टार्ट करते हैं। ये तो है एक थियोरेटिकल इन्फॉर्मेशन, और जो मैंने प्रैक्टिकल रियलिटी में होते हुए देखा है उन चीज़ों को भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। सबसे पहली चीज़, मार्स 17 डिग्री पे कंबस्ट क्यों हो रहा है जबकि सबसे ज़्यादा दूर सन से सैटर्न है। तो सैटर्न को ज़्यादा डिग्रीज पे कंबस्ट होना चाहिए, ज़्यादा डिस्टेंस के बाद कंबस्ट होना चाहिए, लेकिन मार्स है जो 17 डिग्री पे कंबस्ट हो रहा है। इसका रीज़न है, जो मार्स है वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एक गर्म तत्व का ग्रह है, एक फायरी एनर्जी बॉल है, वो ऑलरेडी एक कंबशन की स्टेट में रहता है, उसकी नेचुरल स्टेट ही बहुत गर्म है। तो उसे, और उसका बेस्ट फ्रेंड भी सन है, तो सन उसे इतनी जल्दी इरिटेट नहीं करेगा। बट हाँ, जब वो 17 डिग्री पे और उससे पास आना स्टार्ट करेगा तो वो कंबस्ट होना स्टार्ट हो जाता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैंने प्रैक्टिकल रियलिटी में मार्स को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंबशन का रिजल्ट देते हुए देखा है, वो 7 और 8 डिग्रीज के अराउंड या उससे कम। तो वहाँ पे जो मार्स है वो बहुत स्ट्रॉन्ग कंबशन का रिजल्ट देता है। अब मार्स अगर कंबस्ट हो तो मेनली वो क्या रिजल्ट देगा। मार्स कंबस्ट होने का मतलब है आप अपनी बॉडी से कोई भी काम करना स्टार्ट करेंगे एकदम हाई एनर्जी के साथ, और एकदम से आप उस काम को करते करते इतना इरिटेट हो जाएंगे कि आप उस काम को बीच में छोड़ देंगे अग्रेसिवली बिना कंप्लीट किए। कोई इंसान आपको काम करते करते कोई और काम बोल देगा, आप नेचुरली इरिटेट हो जाएंगे, जो काम आप कर रहे हैं आप वो भी नहीं करेंगे और जो काम उसने इंसान ने आपको कहा है करने के लिए आप वो भी नहीं करेंगे। आपकी बॉडी बहुत जल्दी रिएक्ट करेगी, ये मार्स का तरीका है कंबस्ट होने का। प्लस गुस्से के अंदर आप भूल जाएंगे डिफरेंस बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। जब आपको गुस्सा आएगा तो वो गुस्सा अनजस्टिफाइड होगा, आप इस तरीके से रिएक्ट करेंगे कि सामने वाला इंसान टॉलरेट नहीं कर पाएगा कि आपने इस तरीके का बॉडी लैंग्वेज या इस तरीके का बिहेवियर क्यों किया। तो मार्स के कंबशन का जो रिजल्ट है वो इंसान की बॉडी पे पड़ता है, और या तो कभी कभी इंसान बहुत फिजिकली वीक होता है, उसको भी पता है वो फिजिकली वीक है, लेकिन मार्स उस इंसान का कंबस्ट है तो उसका जोर दूसरों के ऊपर तो चल नहीं रहा, उसका जोर या तो चलेगा किसी और वीक इंसान के ऊपर या वीक जानवरों के ऊपर। तो वो जानवरों को टॉर्चर कर सकता है, वो किसी ऐसे छोटे बच्चों को टॉर्चर कर सकता है, छोटे बच्चों को तंग कर सकता है, या अपने से वीक इंसान को तंग कर सकता है, या और अगर वो इंसान वीक है तो वो अपने आप को हर्ट करना स्टार्ट कर देगा अकेले में, क्योंकि कहीं ना कहीं से तो वो कंबशन की एनर्जी निकलेगी। तो या तो आप किसी और के साथ फाइट करके अपना अग्रेशन बाहर निकालेंगे, इरिटेशन बाहर निकालेंगे, या आप अपने ऊपर ही वो अग्रेशन बाहर निकालेंगे, इरिटेशन बाहर निकालेंगे। तो मार्स का कंबशन इंसान की खुद की बॉडी के ऊपर पड़ता है। दूसरा, वीनस कंबस्ट हो रहा है 8 डिग्रीज के ऊपर थियोरेटिकली, लेकिन वीनस का कंबशन भी मैंने 7 और 8 डिग्रीज के अराउंड ही देखा है नेचुरली। जब कोई भी चार्ट रीड करते हैं, वीनस कंबस्ट होने पर क्या असर दे सकता है। वीनस है आपकी लव लाइफ एंड फीमेल्स बिना किसी बात के ऊपर आपको ब्लेम कर सकती हैं। आप बिना सोचे समझे पैसों को खर्च कर सकते हैं बहुत एक्साइटेड होके, आपको लगेगा हाँ ये चीज़ मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, चलो मैं खरीद लेता हूँ और या खरीद लेती हूँ, और बाद में आपको रियलाइज़ होगा नहीं ये चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी।
बहुत जल्दी अपने पार्टनर से ट्रिगर हो जाना, मतलब अपने पार्टनर के अराउंड आप एकदम कैम्फर हैं, कपूर की गोली हैं। आपके पार्टनर कुछ भी कहेंगे जो हल्का सा भी आपके अकॉर्डिंग अलाइनमेंट में नहीं है, तो आप बर्न होना स्टार्ट कर देंगे, बहुत जल्दी ट्रिगर हो जाएंगे, बहुत जल्दी रिएक्शन दे देंगे अपने पार्टनर को। और ये चीज़ लव लाइफ के अंदर बहुत डेंजरस हो जाती है, क्योंकि आपके पार्टनर को लगेगा कि वो आपके आसपास कुछ भी नहीं बोल सकते। आपके पार्टनर जैसे ही कुछ बोलेंगे आप रिएक्ट कर देंगे। तो वीनस काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, स्पेशली मैरिड लाइफ के अंदर, क्योंकि एक पार्टनर को बहुत डर के और डर के अंदर ही रहना पड़ता है कि पता नहीं मेरे मुंह से क्या निकल जाए और इसका रिएक्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे जो वीनस है वो मेनली फीमेल्स के अराउंड एंड लव लाइफ के अंदर मेजर तरीके से अफेक्ट करता है कंबशन का। और दूसरा, पैसों को खर्च करने का एरिया, बहुत जल्दबाजी में पैसे को खर्च कर देना बिना ये देखे कि जो डील आपको मिल रही है वो आपके लिए ठीक भी है नहीं, तो बहुत इमोशनल स्पेंडिंग यहाँ पे हो जाती है। उसके बाद कंबशन का अफेक्ट सैटर्न के ऊपर आता है 15 डिग्रीज पे। और रियलिटी में यह सैटर्न का सैटर्न के ऊपर कंबशन का अफेक्ट 15 डिग्रीज पर आता है, और बहुत बार ये जो कंबशन है ये 12 एंड 13 डिग्रीज पे भी सैटर्न में अफेक्ट देता है। अब सबसे पहले जो सैटर्न है ये 15 डिग्री पे कंबस्ट होने पे क्या रिजल्ट देगा आपको, देखिए सैटर्न है प्रोफेशनल लाइफ, सैटर्न है आपका कार्मिक एरिया, आपका डिसिप्लिन का एरिया। जब सैटर्न किसी के चार्ट में कंबस्ट होता है तो वो इंसान सही कर रहा हो या गलत कर रहा हो, दूसरे लोग उसको इस तरीके से ट्रीट करेंगे कि यार तुमने ये क्या कर दिया, तुम्हारे बस की तो कोई काम ही नहीं है, तुमने कितना खराब काम किया है। उसको कॉन्स्टेंटली उसके कॉन्फिडेंस को और उसकी ईगो को इतना हर्ट करना कि वो इंसान फुल्ली डेवलप नहीं कर पाता, और ये बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन है जब सैटर्न कंबस्ट हो, क्योंकि इंसान का कॉन्फिडेंस ग्रो ही नहीं कर पाता। हर कोई उसको ये दिखाने की कोशिश करता है कि अगर हम तुम्हें कोई काम देंगे तुम उस काम को बिगाड़ दोगे, तुम अच्छा नहीं करोगे, तुम्हारे पास वो स्टेटस नहीं है ये काम करने के लिए। तो उस इंसान को ये दिखाना कि आपके पास किसी ना किसी चीज़ की कमी है, कॉन्स्टेंटली उस इंसान को ये फील करवाया जाएगा आपके पास कमी है, और ये चीज़ उसके दिमाग में बैठ जाएगी कि मेरे अंदर किसी चीज़ की कमी है इसलिए मैं ये नहीं कर पा रहा, तो फुल्ली जो अपनी प्रोडक्टिविटी का यूज़ करना है वो नहीं हो पाता, स्पेशली प्रोफेशनल लाइफ में। अगर उसको पता है हाँ ये काम मैं कर सकता हूँ, लेकिन जिस इंसान के साथ या जिन लोगों के साथ वो ये काम कर रहा है वो लोग कॉन्स्टेंटली कहेंगे नहीं ये नहीं होगा, ये नहीं हो पाएगा, तुम्हारे पास ये नहीं है, तुम्हारे पास ये नहीं है, तुम्हारे अंदर ये कैपेबिलिटी नहीं है, तुम नहीं कर पाओगे। तो जो सैटर्न का कंबशन है वो रुकावटें पैदा करता है प्रोफेशनल लाइफ में, जो कि हमारी खुद की माइंड की क्रिएटेड होती हैं, क्योंकि हमारी अपब्रिंगिंग इस तरीके की होगी कि हमारे दिमाग में ये डाल दिया जाएगा कि हमारे अंदर कोई कमी है। प्लस जब हम अपना कोई भी काम कर रहे होंगे अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, या कोई काम हमें बहुत डिसिप्लिन के साथ करना होगा, उस काम के अंदर मैक्सिमम चैलेंजेस आते हैं। हमें कोई भी काम डिसिप्लिन के साथ करने में बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है जब सैटर्न कंबस्ट हो, क्योंकि वो काम डिसिप्लिन के साथ करने में हमारा जो सन है वो एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है सैटर्न के लिए। तो यहाँ पे जो प्रोफेशनल लाइफ है डिसिप्लिन का एरिया, क्योंकि डिसिप्लिन एंड रूटीन बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोफेशनल लाइफ में, चाहे आप बिजनेस में हो, प्राइवेट सेक्टर में हो, गवर्नमेंट सेक्टर में हो, जॉब में हो, किसी भी एरिया में हो, डिसिप्लिन और रूटीन बहुत ज़रूरी है। तो डिसिप्लिन एंड रूटीन ही जब फॉलो नहीं हो पाएगा तो प्रोफेशनल लाइफ में इशूज़ आएंगे ही आएंगे, हमें पता नहीं चलेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन जब हम अपने रूटीन के ऊपर फोकस करेंगे हम अपना रूटीन कैरी ऑन ही नहीं कर पा रहे। एक दिन हमने बहुत अच्छे से काम कर लिया, नेक्स्ट डे हमने कुछ भी नहीं किया, तो वहाँ पे इरिटेशन क्रिएट होती है, और हमें पता होता है हम बहुत अच्छा कर सकते हैं बट स्टिल हम नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि सैटर्न कंबस्ट है। इसके बाद बात करते हैं मर्क्यूरी की। मर्क्यूरी का कंबशन थियोरेटिकली 14 डिग्रीज पे, बट मर्क्यूरी कंबस्ट होता हुआ मैंने देखा है 2 to 3 डिग्रीज। इसका एक रीज़न है, मर्क्यूरी सबसे ज़्यादा क्लोज है सन के, मर्क्यूरी को इतना फ़र्क नहीं पड़ता कि सन उसके बहुत क्लोज है, क्योंकि वो नेचुरली उसकी सबसे क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है। तो जो मर्क्यूरी है उसका रिजल्ट मैंने 2 to 3 डिग्रीज पे सबसे ज़्यादा देखा है कंबशन का, वरना मैंने लोगों को कंबस्ट मर्क्यूरी के साथ प्रोफेसर की जॉब्स और बहुत पॉलिटिकली वेल बैकग्राउंड के अंदर इस्टेब्लिश होते हुए देखा है, बहुत अच्छे ओरेटर होते हैं, लेकिन मर्क्यूरी उनका चार्ट में कंबस्ट होता है, उन लोगों का खुद ये क्वेश्चन होता है कि हमारा तो मर्क्यूरी कंबस्ट है लेकिन हम बोलते बहुत अच्छा हैं, जब हम बोलते हैं दूसरे लोग सुनते हैं, और हमारा हम जिसे कह सकते हैं प्रोफेसर हैं, लेक्चरर हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, तो ऐसे कैसे पॉसिबल है, बहुत लोगों का ये क्वेश्चन होता है। तो मेनली जो मर्क्यूरी है वो 2 to 3 डिग्रीज पे सबसे ज़्यादा कंबशन का असर देता है। अब मर्क्यूरी कंबस्ट हो तो होता क्या है, एग्जॉल्टेड से एग्जॉल्टेड मर्क्यूरी हो, इंसान बहुत अच्छा कर रहा हो अपने नर्वस सिस्टम के साथ, अपनी प्रोफेशनल लाइफ के अंदर, अपनी कॉमन सेंस में बहुत अच्छा हो, जो मर्क्यूरी सिग्निफाई करता है इन चीज़ों को, लेकिन अगर वो कंबस्ट है तो ओसीडी,
या बहुत इजीली एंशियस हो जाना, बहुत जल्दी डिप्रेस हो जाना, बहुत जल्दी अपना नर्वस सिस्टम के ऊपर से अपना संतुलन खो देना, बहुत जल्दी किसी की बातों में आ जाना, बहुत जल्दी किसी की बातों के ऊपर ट्रस्ट कर लेना, जल्दबाजी के अंदर डिसीजन लेना या कोई भी डिसीजन लेने में इतना टाइम लगाना कि वो अपॉर्चुनिटी हाथ से निकल जाए, ये कंबस्ट मर्क्यूरी की निशानी है। दूसरी कंबस्ट मर्क्यूरी की निशानी, हमारे दोस्त कॉन्स्टेंटली हमें इरिटेट करते हैं। कोई भी अच्छा काम होने वाला होगा, दोस्तों की वजह से वो काम कुछ ऐसा बोल देंगे कि हम उस काम को नहीं करेंगे। सिबलिंग्स के साथ बिना बात में लड़ाई, अच्छा काम होने जा रहा है उससे पहले सिबलिंग्स के साथ लड़ाई हो जाएगी। तो जो मर्क्यूरी कंबस्ट होता है वो सबसे पहले तो नर्वस सिस्टम को इम्पैक्ट करता है, OCD, स्पीच रिलेटेड डिसऑर्डर्स, इंसान या तो बोलते बोलते कुछ शब्दों को खा जाएगा या क्लियर नहीं होगी उसकी जो वाणी है वो क्लियर नहीं होगी, तो ये खराब मर्क्यूरी नहीं कहना चाहिए, मतलब कंबस्ट मर्क्यूरी, क्योंकि इसके कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं जिससे हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। दूसरी चीज़, ये जो मर्क्यूरी है ये आपके रिलेटिव्स को, आपके फ्रेंड सर्कल को ऐसा बनाएगा कि ये लोग आपको कॉन्स्टेंटली इरिटेट करेंगे। इरिटेट कैसे? ये लोग कुछ ऐसा बोल देंगे कि आपके माइंड में कन्फ्यूजन आ जाएगी। सपोज़ करिए आपका कोई बिजनेस प्लान है, आप बिजनेस करने जा रहे हैं, आपने अपने रिलेटिव्स के सामने बात करी, आइडियाज़ को शेयर किया, तो वो कुछ ऐसा बोल देंगे कि अरे ये तो बहुत फ्लॉप प्लान है, ये तो 10 साल पहले चला था, अब नहीं चलेगा। तो वो कुछ ऐसा बोल देंगे कि आप इरिटेट हो जाएंगे कि यार मैंने इनको बताया है क्यों, डबल माइंड कर देंगे, कन्फ्यूजन क्रिएट कर देंगे। जब भी आपके माइंड में कोई आइडिया बहुत ब्रिलियंट होगा लेकिन आप उसे बोलना स्टार्ट करेंगे तो वो उस तरीके से एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा। आपको भी पता है आपकी बात सुन के सामने वाला इंप्रेस नहीं हो रहा है, बट स्टिल आप इरिटेटेड हैं कि एक तो मेरे दिमाग में इतना अच्छा आइडिया है बट मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ। ये है कंबस्ट मर्क्यूरी। एंड ट्रस्ट मी, प्रैक्टिकल सेंस में जब हम चार्ट्स को रीड करते हैं तो मर्क्यूरी के कंबशन का रिजल्ट 2 to 3 degrees पर ही मिलता है। उसके बाद से मर्क्यूरी को हम कह सकते हैं वो इम्प्रूव्ड है, इतना ख़राब नहीं है। उसके बाद बात आती है जुपिटर की। जुपिटर कंबस्ट होता है एट 11th डिग्री थ्योरेटिकली, और रियल चार्ट्स में भी 10-11 डिग्रीज पे ये कंबशन का असर हमें दिखता है जुपिटर का। अब जुपिटर के कंबशन का असर किस तरीके का होगा? आपको अपनी नॉलेज के ऊपर बहुत ज़्यादा घमंड हो जाएगा। आप किसी ऐसी जगह के ऊपर अपनी नॉलेज को शोकेस करेंगे जहाँ पे सभी बहुत इंटेलिजेंट हैं और आपसे हाई विजडम वाले लोग हैं, और वहाँ पे आपका जुपिटर आपकी बेइज्जती करवा देगा। ये है जुपिटर के कंबस्ट होने का असर, क्योंकि कंबशन जिस प्लैनेट के साथ हो रहा है वो है सन, और जब भी जुपिटर और सन का कॉम्बिनेशन होता है हमें अपनी नॉलेज के ऊपर घमंड तो बहुत दूर की बात है, शो ऑफ भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमेशा गलती से भी जब भी हम अपनी नॉलेज का शो ऑफ करते हैं, ये दिखाते हैं कि देखो मुझे आता है तुम्हें नहीं आता, हमें भी पता होता है हम कहाँ पे बहुत ज़्यादा सुपीरियर होने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ पे ये जुपिटर कोई एम्बैरेसिंग सिचुएशन में लेकर जाता है। प्लस जहाँ से भी हम नॉलेज गेन करने के बारे में सोचते हैं हमें लगता है ये हमें कुछ सिखा दे या ये इंसान बहुत अच्छा है इससे चलो कुछ सीखने की कोशिश करते हैं, वहाँ पे कोई ना कोई इरिटेशन होती है, या तो उस गुरु के साथ लड़ाई हो जाएगी, टीचर के साथ लड़ाई हो जाएगी, या जो हमने कोर्स कर लिया, डिग्री कर ली, उसका कोई वैलिडेशन नहीं है। एक चार्ट मेरे पास आया था कुछ टाइम पहले, उन्होंने एक डिग्री एक इंस्टीट्यूट से अपनी MSc कंप्लीट करी, बट 2-3 साल के बाद ही उस इंस्टीट्यूट से MSc की जो डिग्री थी उसको हटा दिया गया कि अब आप लोग, आपका इंस्टीट्यूट MSc की डिग्री प्रोवाइड नहीं कर सकता, और उनके पास जो डिग्री थी नेचुरली उसकी कोई वैल्यू नहीं रही, क्योंकि जब भी वो अपनी डिग्रीज को प्रेजेंट करते थे तो लोगों का रिएक्शन ये होता था अच्छा ये वाला जो इंस्टीट्यूट है ये तो इसने तो अब बंद ही कर दी है डिग्री, तो आपके पास पहले की है ये, तो मतलब कोई कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाना आपकी डिग्री के ऊपर, आपकी नॉलेज के ऊपर सवाल लग जाना कि जो आपने इतनी मेहनत करी है वो वैलिड भी है। तो ये जो चीज़ है ये जुपिटर क्रिएट करता है कि लोगों को आपके नॉलेज के ऊपर ट्रस्ट नहीं होगा, और आपको इस चीज़ का काफ़ी इरिटेशन रहेगी कि यार मैंने ये मेहनत कर भी ली और लोगों को मेरी बातें भरोसा भी नहीं है। आप कुछ बोल रहे हैं बहुत अच्छे टॉपिक के ऊपर, आप अपने नॉलेज को दिखा रहे हैं, आप एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं कि हाँ ये टॉपिक ऐसे ऐसे है, लोग आपको छोड़ के किसी और को सुनेंगे जो सेम चीज़ बता रहा है लेकिन आपको नहीं सुन रहे हैं। तो यहाँ पे इरिटेशन इस चीज़ की होती है कि आपकी नॉलेज के ऊपर लोगों को ट्रस्ट ही नहीं है, और आप इस चीज़ से फ्रस्ट्रेट होंगे कि जब मैंने इस चीज़ के ऊपर इतनी मेहनत करी है लोगों को बिलीव क्यों नहीं है। तो ये जुपिटर कंबस्ट होता है तो इंसान की जो नॉलेज है उसकी क्रेडिबिलिटी कम होती है, जो टीचर्स हैं गुरुज हैं उनके साथ अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होते हैं। तो ये चीज़ें हैं कंबशन के साथ। अब कंबशन को किस तरीके से थोड़ा सा इम्प्रूव किया जाए, देखिए वैसे तो डिफरेंट चार्ट्स के अकॉर्डिंग डिफरेंट रेमेडीज़ को सजेस्ट किया जा सकता है कंबशन के अकॉर्डिंग, क्योंकि देखना पड़ता है क्या डिग्री है, कौन सा साइन है, कौन सा हाउस है, नवमांश में क्या रिजल्ट है, लेकिन नॉर्मली कंबशन को इम्प्रूव करने का तरीका है सूर्य को जल चढ़ाना, क्योंकि कंबशन जिस प्लैनेट के साथ हो रहा है वो सन है। जब हम सुबह सुबह उठ के सूर्य को जल चढ़ाते हैं उस वक्त हम अपने सूर्य को एक तरीके से अर्घ दे रहे हैं, और वो उसकी शीतलता को बढ़ाने का काम कर रहा है।
मतलब सन आपकी लाइफ के अंदर वो एनर्जी प्रोवाइड करेगा जो शीतल है, सौम्य है। बट अगर हम सूर्य को सुबह सुबह जल नहीं चढ़ा रहे हैं तो वो सन आपकी लाइफ में वो एनर्जी भी प्रोवाइड करेगा जिसका काम जलाना है, जिसका काम इरिटेट करना है। और स्पेशली जब हमारे चार्ट में कंबस्ट ग्रह होते हैं तो वो एनर्जी ऑटोमेटिकली हाई रहती है और उन लोगों को थोड़ी सी गर्मी भी ज़्यादा लगती है। जिन लोगों के चार्ट में कंबस्ट प्लैनेट ज़्यादा होते हैं उनको गर्मी थोड़ी सी ज़्यादा लगती है। तो सुबह सुबह सूर्य को जल चढ़ाना बहुत सिंपल एंड अफेक्टिव रेमेडी है जिसका रिजल्ट विद इन 4.5 मंथ्स के अंदर दिखना स्टार्ट हो जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडी है और आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप सुबह सुबह एक ही जगह पे बैठ के 3 बार आदित्य हृदय स्त्रोत्र पढ़ें। इससे भी जो शीतलता का फैक्टर होता है सन के अंदर वो इम्प्रूव होता है। तो ये कंबशन का कुछ इम्पैक्ट है जो काफ़ी हद तक कम हो जाता है। तो ऑटोमेटिकली जो रेमेडी है वो उसी प्लैनेट के साथ होगी जो प्लैनेट कंबशन कर रहा है, एंड दैट इज़ सन। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए किसी भी चार्ट को स्टडी करते वक्त। तो इसके अलावा कंबशन ऐसा एज सच कुछ नेगेटिव नहीं है। कंबशन का मेन मतलब यह है कि वो प्लैनेट इरिटेट हो रहा है क्योंकि उसके ऊपर डायरेक्ट सनलाइट पड़ रही है बहुत तेज़, और इरिटेशन के अंदर वो प्लैनेट अपना थोड़ा सा कोर्स चेंज कर लेता है काम करने का, तो वो प्लैनेट इरिटेट होकर काम कर रहा होता है। बट ये चीज़ अगर हम कॉन्शियसली ध्यान में रखें, जैसे कि अगर किसी का मार्स कंबस्ट है तो वो उस चीज़ को कॉन्शियसली ध्यान में रखे कि मैं अपनी बॉडी से इरिटेट होता हूँ, तो अगर मुझे कोई इरिटेट कर रहा है तो मैं इतनी जल्दी रिएक्ट ना करूं, तो वो धीरे धीरे रिवर्स होना भी स्टार्ट हो जाता है। मेन चीज़ है क्या आप अवेयर हैं। हमें हमारे अंदर सारी वीकनेसेस एंड स्ट्रेंथ्स के बारे में पता होता है। मेन बात है कुछ लोग इस चीज़ को अवेयर रह के इम्प्रूव कर सकते हैं और कुछ लोग इस चीज़ को एक्सक्यूज़ बना लेते हैं, मुझे तो गुस्सा आता है, मैं तो नहीं कर पाऊँगा ये काम, मैं तो इरिटेट हो जाऊँगा। तो ये कोई मेडल नहीं है जो हम अपने आप को दे रहे हैं कि हमें तो गुस्सा आता है या हम चिड़चिड़ाहट में आ जाते हैं, काम नहीं करते। ये हमें पता है कॉन्शियसली और हम इसे रिवर्स कर सकते हैं। ये सबसे बड़ी रेमेडी होती है। तो इसके अलावा आपको कुछ पूछना हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।